नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र सिंह चौहान और आप देख रहे हैं सागवाड़ा लाइव न्यूज़। धनतेरस की आप सभी दर्शकों को हार्दिक शुभकामनाएं। इसी के साथ यहां पर डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा नगर पालिका अंतर्गत इस वक्त वार्ड नंबर 1 में खड़े हैं, जहां पर आप देख सकते हैं नगर पालिका अध्यक्ष अपनी पूरी टीम के साथ मिट्टी के दीपक लेकर अपने वार्डवासियों को वितरित करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा पहली बार हुआ है कि कोई नगर पालिका अध्यक्ष अपने वार्ड में अपने वार्डवासियों को दीपावली के त्यौहार पर बधाई संदेश देते हुए मिट्टी के दीपक जलाने का संदेश दे रहे हैं और दीपक के जो मिट्टी के दीपक हैं वो बांट रहे हैं। इनके पीछे इनका क्या संदेश है, उस संदेश के लिए हम सबसे पहले ललित जी पंचाल, आपको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं, आपको भी और आपको भी। सबसे पहले हम आपसे जानना चाहते हैं कि आप क्या संदेश देना चाहते हैं, जैसा कि आपने मिट्टी के दीपक वितरित किए हैं। धन्यवाद। सर्वप्रथम सागवाड़ा लाइव चैनल के माध्यम से सभी नगरवासियों को, यहाँ पे रहने वाले सभी मेरे साथियों को आज धनतेरस है उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं, और दीपावली कल है उसकी अग्रिम शुभकामनाएं। आज एक अनूठी पहल नगरपालिका सागवाड़ा द्वारा हमारे माननीय अध्यक्ष नरेंद्र जी खोडनिया के नेतृत्व में की गई है। ये अनूठी पहल में जो हमारे स्थानीय यहाँ पर दीपक बने हुए हैं, उन दीपकों का वितरण सभी वार्डों में किया गया है। उसका मूल रूप से उद्देश्य यही है कि जो हमारी लोक संस्कृति है, जो हमारी पुरानी संस्कृति है, उस संस्कृति को मुख्य लक्ष्य ये है कि उस संस्कृति को बढ़ावा देना, और साथ ही मिट्टी के दीपक, स्थानीय दीपक वितरित करने का एक पहला कारण। दूसरा कारण ये भी है कि यहाँ के उद्योग को, ये जो मिट्टी के दीपक का उद्योग है, उसको बढ़ावा मिले, लोग अपनी जो प्राचीन संस्कृति उससे जुड़े, क्योंकि आजकल मिट्टी के दीपक के अलावा लोग मोम के दीपक, कैंडल ये जलाते हैं, जो अपनी जो सनातन संस्कृति है उसमें बिल्कुल भी उसकी सख्त मनाही है। तेल या घी का दीपक दिवाली पर जलता है और उसी को बढ़ावा देने के लिए आज नगरपालिका ने हमारे माननीय अध्यक्ष नरेंद्र जी खोडनिया के नेतृत्व में ये जो अनूठा पहल और अनूठी एक योजना तैयार करके नगर में सभी वार्डों में घूमकर दीपक वितरित किए हैं, तो मैं उनको भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ, साधुवाद देता हूँ, पुनः सभी को मैं दीपावली और धनतेरस की शुभकामना देता हूँ। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने बताया कि मिट्टी के दीपक इन्होंने वितरित किए हैं, तो चाइना के जो आइटम हैं उनको नहीं यूज़ करके मिट्टी के दीपक जलाएं। मकवाना साहब, आपसे हम जानना चाहेंगे, जैसा कि आज ये अनूठी पहल की गई है, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सागवाड़ा चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। सागवाड़ा नगर पालिका चेयरमैन नरेंद्र जी खोडनिया साहब ने ये पहली बार ऐसी सभी वार्डों के अंदर में ये दीपक देने का एक प्रावधान रखा है, इनकी इच्छा है, और ये दीपक की मिट्टी के और लोकल सागवाड़ा के बने हुए हैं, ताकि यहाँ पर किसी प्रकार का कोई प्रदूषण वगैरह नहीं हो, और ये अपने जो चाइना के जो दीपक आते हैं उनके बनिस्पत हमारे सागवाड़ा के दीपक लेकर के सागवाड़ा के सभी वार्डों में चेयरमैन साहब के साथ में रहकर के हमने दीपक वितरण किए, सबको बधाई। तो जैसा कि मिट्टी के दीपक वितरित कर सागवाड़ा को जगमगाहट करने के अपने उद्देश्य को लेकर नगर पालिका अध्यक्ष ने दीपक वितरित किए, हम आपसे भी जानना चाहते हैं सर कि ये अनूठी पहल, पहली बार सागवाड़ा नगर पालिका क्षेत्र में किसी नगर पालिका अध्यक्ष ने की अपने वार्डवासियों के साथ दीपावली का त्यौहार मनाते हुए, आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं सागवाड़ा लाइव न्यूज़ की तरफ से माननीय अशोक जी गहलोत और पूरी सरकार की तरफ से, नगर पालिका के बोर्ड की तरफ से, मैं नगर की जनता और क्षेत्र की जनता को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं और नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। जैसा कि माननीय अशोक जी गहलोत ने अभी एक संदेश दिया था कि पूरे राजस्थान के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, कार्यकर्ता हैं, वो एक कोई नया कोई इवेंट करें जिससे लोगों को ये लगे कि हम उनके बीच जा कर के कुछ कर रहे हैं। तो हमने इसके लिए तय किया कि हमारे सागवाड़े में प्रजापत समाज के जितने भी लोग हैं वो मिट्टी के दिए बनाते हैं, मिट्टी के मटके बनाते हैं, इस तरह से उनका एक गृह उद्योग है। तो मेरा ऐसा मानना है कि जब मेरे नगर के लोग ऐसा मिट्टी के दीपक बना करके, और यदि वो खुद स्वयं कहीं बेच रहे हैं, तो क्यों ना हम ये इस मिट्टी के दीपक को हम वार्डों में जा करके इसको वितरित करें, और इस मिट्टी के दीपक में हम दिवाली मनाएं। उसके अंदर ऐसी मान्यता है कि मिट्टी के दीपक में यदि तेल और घी का दिया जलाया जाता है माँ लक्ष्मी के सामने, हमारे देवी देवताओं के सामने, तो निश्चित तौर पर हमें एक समृद्धि मिलती, आशीर्वाद मिलता है। मैं नगर की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं कि जिस तरह से आप नगर पालिका को सहयोग कर रहे हैं और नगर पालिका विकास की ओर अग्रसर हो रही है, उसके लिए मैं नगर की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं, और नगर की जनता से आह्वान करता हूं कि आप जो विदेश से बनी हुई चीज़ें हैं
उनका आप उपयोग नहीं करें, मोमबत्ती के दीपक नहीं जलाएं, परंपरागत जो हमारे पौराणिक जो मान्यता हैं उन मान्यता को अपना करके और मिट्टी के दीपक से यदि आप दिवाली मनाएंगे तो निश्चित आपके परिवार में समृद्धि आएगी, ये मेरा मानना है। मैं इस अवसर पर सभी को पुनः धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ और बधाई, और आने वाला तो कल दीपावली मनाई जाएगी, नव वर्ष मनाया जाएगा, आप हर्षोल्लास से मनाइए। हड़माला का मेला भी है, वहाँ मिलन समारोह होता है, सभी वहाँ पर जा करके हड़माला का मेले का आनंद लें। गोवाड़ी में भी एक बहुत बड़ा बृहद मेला लगता है जिसके अंदर जैन समाज की तरफ से रथ यात्रा भी निकाली जाती है, आप सभी गोवाड़ी भी पधारिए ताकि हमारा और आपसे मिलना हो जाएगा, मिलन सारी तरह के। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो जैसा कि आपने बताया लोकल फॉर वोकल, यहाँ के जो स्थानीय व्यापारी हैं जो छोटे छोटे दीपक बनाते हैं और अपने व्यापार चलाते हैं, और हम लोग चाइना के जो बिजली के बल्ब होते हैं उनको जलाकर, एक तो बिजली का बल्ब जलता है तो उससे बिजली बिल भी ज़्यादा आता है और इससे कोई फ़ायदा नहीं है। तो जैसा कि नगरपालिका अध्यक्ष ने भी बताया, तो हम अपने स्थानीय जो मिट्टी के दीपक बनाते हैं उनसे दीपक खरीदें, और जैसा कि इन्होंने दीपक वितरित किए तो निश्चित तौर पर हम उन दीपक को जलाकर अपनी दीपावली मनाएँ। और आप सभी को एक बार फिर से सागवाड़ा लाइव न्यूज़ ब्यूरो जितेंद्र सिंह चौहान और कैमरामैन कबीराम लव की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएँ। आशा करते हैं कि आपकी दीपावली बहुत ही अच्छी और सुंदर और खुशहाली समृद्धि लाए। धन्यवाद। सागवाड़ा लाइव न्यूज, जी हाँ, लेटेस्ट खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।